हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। दोस्तों आप सभी लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। 2020 की वैकेंसी थी जिसकी पोस्टिंग भी दोस्तों दे दी है, ज्वाइनिंग लेटर भी। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपके जो तीन एग्ज़ाम लगे थे इसके अंदर तीन टेस्ट लगे थे, स्टेनो, टाइपिंग और एफिशिएंसी, उसमें कितने कितने नंबर आए। तो अपना स्कोर कार्ड कंप्लीट इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कैसे क्या देखेंगे, यूज़र नेम क्या, पासवर्ड कैसे लगाएंगे, कहाँ से कैसे देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज अब लेकर आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखिए दोस्तों, ये जस्ट आज ही आपको नोटिफिकेशन डाला है 6/1/2022 का, और ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्टेनोग्राफ 4 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथराइज एंड परमानेंट पेरियमेंट लोक अदालत। ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ है। और अपने स्कोर कार्ड दोस्तों कहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियली वेबसाइट पर अपन जाके, ठीक है, हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट द कोर्ट की। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही, नीचे लिखा हुआ है ना डाउनलोड देयर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बाई एंटरिंग देयर रेस्पेक्टिव यूज़र नेम। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एंड कैप्चा कोड तीन चीज़ें डालनी है दोस्तों, लेकिन आपको ना यूज़र नेम पता ना पासवर्ड पता, जिनको पता वो भी लिंक का नहीं पता, जिनको लिंक का पता तो कैसे ओपन करना वो सारी चीज़ आपको पता नहीं है। मैं वो आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे करें। देखिए आप यहाँ पर आपको दोस्तों लिंक आपको कैसे करनी है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल पूजा इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जैसे डायरेक्ट जाओगे आप तो दोस्तों यहाँ पर आप जाने के बाद तुरंत यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है पूजा इंस्टीट्यूट के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जैसे मैसेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ये डायरेक्ट लिंक दी हुई है दोस्तों ऑफिशियल के लिए, इस पर क्लिक करना है। ये लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम से ही बेस्ट रहेगा, वहाँ से आराम से ले सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट दोस्तों आपको ऑफिशियली वेबसाइट इस पर, जहाँ आपको इसमें स्कोर कार्ड लॉगिन करना है पहले, वो सारा उसी पेज पर ओपन होगा। अब यहाँ क्या करना है, आपका यूज़र नेम आपको इसमें डालना है, इसमें आपको डालना पड़ा पासवर्ड। अब दोस्तों जिसको यूज़र नेम पासवर्ड थे जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम ये चीज़ आई थी, लेकिन जिनको पता नहीं है कि यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से कैसे पता करें, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ दोस्तों। आपको यहाँ नीचे नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, स्पष्ट आप देख लीजिए, फॉरगेट यूज़र नेम। जैसे आप फॉरगेट यूज़र नेम करोगे तो इस पर ऐसे क्लिक करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, जैसे किसी की माना कि 1/12/99 है, तो यहाँ से 1/12/99 डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर दी। मोबाइल नंबर आपके जो भी है, मोबाइल नंबर कौन से डालने, जैसे जो आपने फॉर्म में भरे थे वो डालने के बाद में आप यहीं ये वाले ऊपर के कोड है इनको इसमें आपको एंट्री करनी है, और यह करना है रिकवर यूज़र नेम। जैसे दोस्तों रिकवर यूज़र नेम करोगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसमें आपने फॉर्म भरा था उस टाइम डाला था, उस पर आपके एक OTP जाएगा, और वो OTP एंटर करते ही आपके यूज़र नेम उस पर तुरंत मैसेज चल जाएगा, वहाँ से आप यूज़र नेम ले लेना। ठीक है, यूज़र नेम लेने के बाद में दोस्तों को पासवर्ड भी पता नहीं है, तो पासवर्ड आप क्या करोगे, फॉरगेट पासवर्ड करोगे। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए अभी आपको यूज़र नेम तो पता ही है, और अपने मोबाइल नंबर डाल देना, और फिर आप यहाँ कैप्चा कोड डाल देना, फिर यहाँ लिखा हुआ है रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड जैसे करो फिर OTP आएगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और वहाँ से आप आने के बाद में उनको एंट्री करोगे और आपका रीसेट पासवर्ड उसी नंबर पर वापस सेंड हो जाएगा, और वहाँ से आप अपना पासवर्ड भी देख सकते हैं। दोनों देखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ यूज़र नेम डालना है और यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, दोनों डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड डालना है, फिर करना आपको लॉगिन। जैसे दोस्तों लॉगिन करोगे आप, लॉगिन करते ही आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, और इस स्क्रीन पर आपको दोस्तों आपका यूज़र वो नीचे नीचे लिखा होगा स्कोर कार्ड या मार्क्स प्रिंट का ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करो तो आपको PDF में आपके नंबर दिखा देंगे, कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, टाइपिंग टेस्ट में कितने आए हैं, आपका एफिशिएंसी टेस्ट में, कंप्यूटर टेस्ट में कितने आए, और आपका स्किल स्टेनो टेस्ट में कितने आए, और आप कितनी स्पीड से आपने उसमें लिखा है, तो वो स्पीड के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें नंबर देते हैं, तो आप यहाँ से आराम से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई किसी को समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरे से ये देख नहीं रहा, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा,
कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को पता चलेगा। ठीक है भाई, तो आप कमेंट कर देना, कोई समस्या आती है फिर भी नहीं निकलता है, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। और दोस्तों इतनी मैं आप वीडियो लेकर आता हूँ, इतना अपडेट देता हूँ, इतनी हेल्प करता हूँ, तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब बनता है। अगर आप सब्सक्राइब करके बिना ही वीडियो देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। प्लीज़ आप नए हैं तो सारे सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और फिर मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।